हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडकासा। दिस इज सना मुनीर और टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका मतलब क्या है पहले तो, और फिर ही पता चलेगा ना कि टॉपिक के अंदर क्या है। तो देखें, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन। अब कन्फिगर करना यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, सिंपली यही मतलब है ना। लेकिन अभी हमें इसकी केमिस्ट्री के हवाले से कुछ डेफिनेशन भी देखनी है, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें इस डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर अराउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने अब डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के बाहर, किसमें, शेल्स में और सब शेल्स में। अब शेल्स और सब शेल्स क्या हैं, वो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है ये किस बेस पर करनी है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक। अब ये कैसे होगा, ये तो हमें एंड पर पता चलेगा ना। पहले तो हमें देखना है कि ये शेल और सबशेल दरअसल क्या है। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में N1, N2, N3, K, L, M इस तरह की कुछ चीजें पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा कि हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो यही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं, एन वैल्यू, शेल और सबशेल। अब एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि अगर पहला ऑर्बिट है, लाइक ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आता जाएगा। तो अगर पहला ऑर्बिट हम कहेंगे 1, सेकेंड है दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इस तरह पांचवा छठा भी आएगा। लेकिन हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है पहले चार ऑर्बिट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो पहला ऑर्बिट है इसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, सेकंड को हम कहते हैं एल, थर्ड को हम कहते हैं एम एंड फोर्थ को कहते हैं एन। ये मैं अगेन कह रही हूँ, ये फोर्थ तक बाउंड नहीं है, 5, 6, 7 तक भी जाते हैं, सो वो सोमन आगे कंटिन्यू रहते हैं। अब ये जो है ना, इन शेल्स के नाम है, ओके। और अब ये जो शेल्स है ना, उन्होंने देखा कि शेल फर्दर स्प्लिट होते हैं सब शेल्स में, यानी कि जब उनको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि ये जो शेल्स हैं ये आगे फर्दर सब शेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। तो जो पहला शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल है एंड दैट इज एस, ठीक है। जो दूसरा शेल था उसके अंदर दो सब शेल थे, पहले को एस कहा, दूसरे को पी कहा, ठीक है। जो तीसरा शेल था उसके अंदर 3 सब शेल थे, S, P एंड D, और जो चौथा था उसके अंदर 4 सब शेल्स थे, S, P, D, F। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नाम रखे गए हैं ये दरअसल किस बेस पर रखे गए हैं, सोचना भी चाहिए, मैंने भी सोचा था। तो स्टूडेंट, ये वाले जो नेम है ये तो साइंटिस्ट ने असाइन कर दिए शेल्स को, लेकिन ये जो नेम थे ये उन ऑर्बिटल्स की शेप की बेस पर थे, यानी कि इसकी स्फेरिकल शेप थी तो इसको एस का नेम दे दिया गया, पी की शेप थी उसकी तो उसको इसका नाम दिया, डम्बल शेप थी तो डी का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो समहाउ ये जो इनके नेम्स हैं ये इनकी स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। लेकिन एफ वाला जो था वो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन पी के बाद उसको आगे फर्दर एफ का नाम दे दिया गया, ठीक है। कुछ लॉजिक बनता है, कुछ लॉजिक नहीं भी बनता। अब ये वाला जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको याद करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता चल गया शेल और सबशेल कौन से हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो पता भी तो होना कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये फिक्स है, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं। के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और अब देखें एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस सबशेल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता अपने पास, ठीक। सेकेंड शेल है एल शेल, इसके अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 तो एस के पास है, 6 इलेक्ट्रॉन पी के पास आ जाएंगे, 6 + 2 कितने हुए, 8। तो पी के पास 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी नहीं है। अगर 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तीसरे शेल में चला जाएगा, क्योंकि पी तो ऑलरेडी फिल हो चुका हुआ है। ओके, तीसरा देखें एम शेल है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 हैं। 2 एस के पास, 6 पी के पास और 10 डी के पास। अब देखें डी की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन रखना। और एट दी एंड 32 आएंगे एन के पास, जिसमें से 2 एस के पास, 6 पी के पास, 10 डी के पास और इसके बाद 14 जो है वो एफ के पास आ जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चला? यहाँ पर हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल के पास 8, एम के पास 18, एन के पास 32 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ये फिक्स है। उसके बाद एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ये भी फिक्स है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अब हमें पता चल गया कि कौन से शेल और सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन हम ये डेफिनेशन को ही समझ रहे हैं। पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन और शेल्स और सब शेल्स को। अब इस डेफिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एनर्जी की बेस पे करना है, तो इन शेल्स को हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि लोएस्ट एनर्जी से हम हाईएस्ट एनर्जी की तरफ जाएं, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो अब आए इस साइड पर, ये एक सिंपल स्कीम है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इस स्कीम से आप जो है इन सबशेल्स को इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला शेल 1 लिख दिया, मतलब पहला शेल, और पहले शेल में कितने सबशेल्स होते हैं? एक ही, तो मैंने एस लिख दिया। ठीक, फिर मैंने लिखा इसी तरह एक सीधी लाइन में 2 लिखा, सेकेंड शेल, इसमें कितने सब शेल हैं? 2, तो एस और पी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर देखें थर्ड शेल है, तो थर्ड में कितने सब शेल? 3, 3s, 3p, 3d, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों मिलकर थर्ड शेल बना रहे हैं। इसी तरह अगर 4 की बात करें तो 4s, 4p, 4d और यहाँ पे 4f भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो 4 सब शेल थे ना। अब ये मैंने इस तरह लिख लिया। अगर आपको एग्जाम में आता है कि कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले ड्रा करेंगे। ठीक, फिर आपने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करेंगे? ये सीधा एक क्रॉस, ये दूसरा क्रॉस, ये थर्ड क्रॉस, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से। ठीक, ये हमने इसको क्रॉस कर लिया। ये सोन यहाँ पे हम 5 लगाएंगे ना, तो ये वाले डिजिट्स भी कट हो जाएंगे जब हम फिफ्थ एस और फिफ्थ पी लिखेंगे। इसी तरह 6 वाले डिजिट्स लिखते जाएंगे, तो हम यहाँ पर 20 एलिमेंट्स तक या 30 इलेक्ट्रॉन्स तक लिमिट रख रहे हैं इसकी। अब हमने इसको राइट करना है। अब हम इसको राइट कैसे करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एरो जो है ना, जिसकी टेल है, यहाँ से हम काउंट करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक, इसकी टेल में सबसे पहला कौन सा वाला सब शेल आ रहा है? 1s, मैंने यहाँ पर 1s लिख दिया। सेकेंड एरो देखें, इसमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2s, मैंने यहाँ पर 2s लिख दिया। इसके बाद देखें इस थर्ड एरो में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? 2p, फिर 3s, मैंने पहले 2p लिखा, फिर मैंने 3s लिख दिया। इसके बाद देखें ये अगला एरो था, इसमें कौन सा एरो में पहले आ रहा है? इसकी टेल से स्टार्ट करना है, काउंट करना, 3p और 4s। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर मैंने 3p लिखा, ठीक है, फिर मैंने 4s लिखा और यहाँ पे मैंने 3D लिखा। अगले एरो में सबसे पहले 3D आ रहा था, तो 3D यहाँ पर आ गया। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो ये है कि हमने इन सब शेल्स को अरेंज किया है इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक। तो 4s पहले आता है, 3D बाद में आता है, तो मतलब ये है कि 4s की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए 4s पहले आया, 3D बाद में आया। जैसे जैसे हम इधर को मूव करते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसकी सबसे कम है, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, लेकिन ये जो 4s है इसकी एनर्जी इनसे तो ज्यादा है लेकिन 3d से कम थी, तो ये 3d से पहले आ गया। अब ये गलती मत कीजिएगा कि इसको सीधा सीधा नोट कर लें। देखें ये 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। सो जो मैंने तरीका समझाया, नहीं समझ आया तो दोबारा से सुने जाके और इसको समझे। ओके, और ये इस तरह से आपने राइट कर लेना है। ठीक है, अब बारी आती है एटॉमिक नंबर की और एलिमेंट की। आपको 2 चीजें बताई जा सकती हैं। आपको कहा जाता है जी कार्बन है 6, इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमेशा एटॉमिक नंबर लेना है, एटॉमिक मास की तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास चेंज होते रहते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो हर एटम का फिक्स होता है। अब इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। मैंने करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस एरो को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ मैं। अब देखें हमने इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल करना है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। 2s में कितने आएंगे? 2 आएंगे। हमें पता है s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, लेकिन 2 + 2 + 6 ये तो 10 हो गए, जबकि कार्बन के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं। तो मतलब इसको रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6। और ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। तो पता चला कितनी आसान थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है और इस जो ये स्कीम है इसको समझने की जरूरत है। इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, और उसके बाद आप तमाम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। हाँ, आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।